हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जिन दिन से थी बीमार तो कोई व्लॉग नहीं किया था मैंने, और एक दिन तो शॉपिंग पे निकले थे, दो दिन मैं बीमार हो गई थी और अभी मैं आपके सामने हूँ। तो अभी मैं ठीक हूँ और उठ के रेडी हो गई हूँ कंप्लीट। अब करूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि अब मैं उठ के जल्दी से नहा लूँगी। ठंड चली गई है, सो सर्दी का थोड़ा इशू कम हो गया है, क्योंकि उठते मैं नहा लेती थी उस टाइम पे सर्दी हो जाती थी। तो रेडी हो गई, ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर दूँ और फिर मैं आपको बता दूँ ब्रेकफास्ट में क्या ले रही हूँ मैं। आने के लिए कब लेके जाओगे? कल, मेरे शॉपिंग सारी बाकी है, प्लीज़ ले जाओ ना। चलो, ब्रेकफास्ट में आज फाइनली लास्ट कॉफ़ी ले लेते हैं। कल से तो कॉफ़ी बंद करनी है, क्योंकि चिकू से कर दिया है प्रॉमिस, क्योंकि कॉफ़ी अब करनी है बंद। सो आज कॉफ़ी और ब्रेड ले लेते हैं, कॉफ़ी और ब्रेड। आज मेरे को खाना बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, पूछो मत, कभी नहीं लगता। और अभी मैं खा रही हूँ खीरा, फाइबर, ब्रोकली की सब्जी, करेले की सब्जी, आटा चावल तो गूंद दिए हैं। और ये करेले की सब्जी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसका सारा वो जूस है वो निचोड़ के निकालना पड़ता है। और ये ब्रोकली की सब्जी में मेरे को लगता है यार थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसका टेस्ट अगर अच्छा नहीं आया तो मज़ा नहीं आता है इसलिए। और आज है हमारे शॉप करो अरोमा मेकअप स्टूडियो का 1 ईयर एनिवर्सरी। तो चूँकि कह रहे शॉप पे कुछ सरप्राइज़ है, अभी तक मैं शॉप पे गई नहीं हूँ, शॉप पे जाके ही पता चलेगा क्या सरप्राइज़ है मेरे लिए। बस अभी खाना वगैरह कंप्लीट हो गया, अब चिकू को बुला देती हूँ, आटा भी गूंद के रख दिया, रोटी बना के खिला के फिर अपन चलेंगे सरप्राइज़ देखने के लिए। और कपड़े भी साथ ही साथ धो रही थी, तो कपड़े भी लगभग धुलने आ गए, कपड़े भी धुलने आ गए हैं और अपना काम फिनिश होने आ गया है। 12:30 हो रही है, आई होप 1 बजे तक फ्री होकर कम्प्लीट चली जाऊँ। अभी फाइनली खाना खाने बैठ गए हैं। खाने में आज कुछ सलाद भी ऐड किया है, करेले की सब्जी, रोटी, ब्रोकली की सब्जी और सलाद और गाजर। गाजर तो मैं बैठ बैठे खा गई, 4-5 खा गई और फिर याद आया, ओह मैंने कैमरा तो उठाया ही नहीं। और फिर चिकू ना, अब जा रहे हैं दुकान, चिकू गए हैं स्कूटी लेने के लिए। और अब गर्मी आ गई है, गर्मी आई है तो सबसे मेन चीज़ लेजर्ड का डर, गर्मियों में चिपकलियाँ निकल जाती है ना, हम जाने कहाँ से आ जाती है। मेरा हाथ आप देख सकते हो कैसा हो गया, तो हमने सेलिब्रेशन नहीं किया। पर जो हमारी शॉप करो रोमा मेकअप स्टूडियो की जो ओपनिंग हुई थी, उसको आज 1 साल हो गया है पूरा कंप्लीट, और आप डेकोरेशन देख ही सकते हो कितने अच्छे से दुकान को सजाया है। और उसी हिसाब से आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑफर्स भी आ गए हैं, तो 10 मार्च तक एनिवर्सरी का फुल ऑफ़र है, तो आप ऑफ़र का लुत्फ़ उठा सकते हो। और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो भी है वो शॉप पर अवेलेबल है। और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता करना हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको एक एक प्रोडक्ट के बारे में भी बताती रहती हूँ मेरी वीडियो में। कोई पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के बारे में पूछना है, पता करना है, कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। पीछे भी देख के आते हैं, सिर्फ शॉप करो ही सजाया है, फिर रोमा मेकअप स्टूडियो भी सजाया है, बीच में भी थोड़ी सी डेकोरेशन करवा देते हैं, थोड़ी थोड़ी करवा देते हैं। मेकअप स्टूडियो भी एकदम दुल्हनों की तरह रेडी हो गया है आज, क्योंकि इसकी भी फर्स्ट एनिवर्सरी है तो इसका सजना भी बनता है। तो यार कल सामान लिया, बस सही कर दूँ। अभी सीजन में सारा ब्राइडल सेट अस्त व्यस्त हो गए थे, तो सारे सेट करके रख रहे हैं, सब चीज़ें एक एक जमा रहे हैं, एक एक का फोटोशूट भी कर रहे हैं साथ साथ में, और बहुत सारे काम।
आज तो पूरा दिन हमने काम काम के चक्कर में पूरा जो भी ज्वेलरी थी उन सबका कंप्लीट स्टॉक है वो मेंटेन किया, और तो और भी कुछ बाकी था, फोटोज़ वगैरह क्लिक करने थे वो बाकी थे। और ये गया स्पॉट, कौन है बता करो। नहीं प्लीज मत डालना। शक्ल अच्छी दिख रही है, पैम्पर कर रही है हेली इसको खुद को, घूम रही थी तो काली हो गई इसलिए डी टेन हुआ है हेली दीदी का। क्या क्या चमक रहा है ब्लूम ब्लूम। तो आज चिकू ने सेम शॉप करो का जो लोगो है उसके ही मैचिंग का टी शर्ट भी पहना है, कोइंसिडेंसली बलून भी इसी कलर के। तो शॉप करो के ऑनर दिख भी रहे, और शॉप करो पर क्या क्या वेराइटीज़ है वो तो आपको पता ही है, और जो वेराइटी वो भी मैंने बता रखा है, अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में चाहिए तो वो भी मैं बता दूंगी। और शॉप करो पर परफ्यूम्स अवेलेबल है, डियो अवेलेबल है, स्किन केयर अवेलेबल है, और हेयर केयर अवेलेबल है, और पर्सनल ग्रूमिंग की भी चीज़ें अवेलेबल हैं, शैम्पू कंडीशनर्स वगैरह सब अवेलेबल है, और एयर फ्रेशनर फ्रेगरेंसेज आपको हर टाइप्स की मिल जाएगी, एसेंशियल में मिल जाएगी, रूम फ्रेशनर्स मिल जाएंगे, वॉशरूम फ्रेशनर्स मिल जाएंगे, इसके बाद अतर्स मिल जाएंगे, परफ्यूम मैंने बताया ना, परफ्यूम की तो सारी रेंजेस हैं अपने पास खुशबू है तो, और हेयर केयर में भी ऑल टाइप्स के प्रोडक्ट हैं, और सारे ही जो भी प्रोडक्ट हैं वो अपने पास पैराबिन फ्री, मिनरल ऑयल फ्री और सिलिकॉन फ्री हैं, तो हेयर भी एकदम कंप्लीट हेल्दीली रिपेयर होने वाले हैं। और जो अभी मोस्ट ट्रेंडी चलने वाली चीज़ें हैं फेस शीट मास्क, वो भी ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के अवेलेबल हैं, शुगर के अवेलेबल हैं, मामार्थ के अवेलेबल हैं, और क्विंच के भी अवेलेबल हैं जो कि शुगर की ही ब्रांड है, और ये माय ग्लैम के भी फेस शीट मास्क हैं वो अवेलेबल हैं। तो फेस शीट मास्क जो है वो हमारे फेस को कम्प्लीटली अच्छे से हीलिंग भी देता है, और बहुत ही अच्छी एक रिलैक्सेशन थेरेपी है। तो ये प्रोडक्ट आज हमारी शॉप पर नया आया है जो कि है वैक्सिंग स्ट्रिप्स, जो कि बिल्कुल ट्रैवल फ्रेंडली है। अब मैं आपको इसके बारे में संक्षिप्त में वर्णन कर देती हूँ इसका। इसमें टू फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, एक सेंसिटिव स्किन के लिए और एक ड्राई स्किन के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा लड़कियों को इशू रहता है ड्राई स्किन का और सेंसिटिव स्किन का। और ये ट्रैवल फ्रेंडली है, और मेनली तो अगर सलोन जाना सलोन पर जाना या फिर इतना टाइम नहीं है और कहीं पर निकलना है तो ये हम साथ में कैरी कर सकते हैं और सेल्फ वैक्सिंग कर सकते हैं। इसको अनबॉक्स करके मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि इसको अनबॉक्स करते ही इसका सील है वो ब्रेक हो जाएगा बिकॉज। तो इसके अंदर टू वाइप्स अवेलेबल हैं और एट स्ट्रिप हैं, एट स्ट्रिप है तो एट स्ट्रिप का 14 स्ट्रिप हो जाएगा क्योंकि टू स्ट्रिप्स होती है वो अलग अलग होती है, तो दोनों टाइप्स यूज़ होता है, इधर साइड भी आप यूज़ कर सकते हो उधर साइड भी यूज़ कर सकते हो। और टू वाइप्स इसलिए दे रखे हैं, एक प्री वाइप रहता है जो आपको वैक्सिंग करने से पहले आपके हैंड्स पर क्लीन करने के लिए रहता है, और सेकेंड वाइप होता है जो वैक्सिंग करने के बाद रहता है। तो एकदम ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, स्पेशली ड्राई स्किन के लिए भी है और सेंसिटिव स्किन के लिए भी है, तो इससे आपकी स्किन की कोई भी एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बारे में आपको मैं एक दिन प्रॉपर वीडियो बना के दूंगी। एलोवेरा और विटामिन ई से बना हुआ है, ये हेयर रिमूवल क्रीम होती है उनकी खुद बदबू इतनी ज़्यादा गंदी होती है ना, अच्छी नहीं लगती है, तो ये सेंसिटिव स्किन के लिए ये भी बेस्ट है। अब चलते हैं घर पे, मेरा फ़ोन है, फ़ोन भूल जाती मैं, हे भगवान, बड़ी स्ट्रगल के साथ निकलना पड़ता है, बड़े स्ट्रगल के साथ निकलना पड़ता है। फ़ोन भी तो एक मिनट पकड़ लो, हम फ़ोन गाड़ी चला के इतने क्या थक गए वापस, एक साल तो क्या कर दिया ओपनिंग का, बट तुम्हारे नवरे करेगी क्या तू हेड पता है तो तेरी आदत में जानता नहीं। अच्छा कुर्सी मना रहा तो नवरे 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 क्या होता है तुमको, मैं ज्यादा से ज्यादा मेरे ब्लॉग्स में लेना चाहती हूँ। ओके, तो हमको दो दिन पहले एक पार्सल रिसीव हुआ था और मेरी तबीयत खराब होने की वजह से वो मैंने अनबॉक्स किया नहीं था, तो ये है वो पार्सल। अब इस पार्सल में क्या है मुझे नहीं पता है, अभी खोलूंगी तो पता चलेगा। मैं खोलता हूं। आप खोलोगे? हाँ, आप अच्छी करते हो अनबॉक्सिंग। लेडीज का हथियार। यस। रोमा हुई जख्मी। अरे यार हम ऐसे ही अनबॉक्स करते हैं यार, ऐसे तो क्या ही करते हो। तो अभी देखो कि तो सही डब्बा खोला है मैंने। ओह, जूते का स्टैंड है, वो स्टैंड को जमाएंगे कैसे? मैं जमाऊंगा। बिग, चलो हमारे जो जूतों का कलेक्शन अभी नया बन रहा है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा एक हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया है, तो अब इसको करेंगे
ये देख लेना चाहिए हमेशा हमेशा, इसको फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत टाइम ये काम आता है। तो इसको अच्छे से करते हैं असेंबल। तो हमारा जो स्टोरेज बॉक्स है वो रेडी हो गया है। हालांकि इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो, लाइट वेटेड सामान, पर हम इसमें रखने वाले जूते, क्योंकि सारे जूते ऐसे अस्त व्यस्त रहते हैं तो प्रॉपरली जमे हुए रहे तो ज़्यादा सही है। और वो जाएगा मेरे वॉशरूम के पास में उधर साइड। अब देखते हैं ये वहाँ पे फिक्स होता है नहीं होता, पर एक बार जूते जमा देते हैं। मम्मी झाड़ू से माप लेगी। हमने बनाए घी के पराठे और बेसन। मैंने तो बेसन नहीं बनाया, मम्मी ने बनाया बेसन। तो बेसन और साथ में पापड़ और रोटी खाना। और समय हो रहा है अभी, और साथ ही साथ देखा जाएगा शार्क टैंक्स, जो कि अभी फ़िलहाल हम दोनों का फेवरेट है और सच में देखने का बहुत मज़ा आता है। अभी चलो क्या खाना हो गया है। अब ये डेजर्ट में है मैंगो आइसक्रीम और मलाई आइसक्रीम, और जो कि अभी लाया है चूँकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, एकदम मस्त है। जो पहले मैंने एक बार खा रखी है मलाई वाली, तो पर अभी खा के एकदम मस्त लग रहा है। तो बस यहीं पर कर देती हूँ ब्लॉग का एंड, और मेरे डेजर्ट को कर दी एंजॉय। मेरा डेजर्ट जा रहा है। नो चिकू नो। एक बाइट बड़ी मशक्कत से निकला चिकू। एक बाइट हो गया। एक दोनों हाँ, मेरे में तुमको टेस्ट ज्यादा लग रहा होगा चिकू, पर बाइट्स तो देखो यार, मैंने एक टाइम में निकाली इतनी। अगर आज का व्लॉग यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना कम्प्लीट। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। भूल गई मैं दो दिनों में। आज का व्लॉग यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।